पास वस्तुओं की पहचान करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। वहीं जीभ की बात की जाए तो जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है, जिससे पता चलता है कि खाना कितना टेस्टी बना है। जीभ के जरिए हम भोजन को चबाते और निगलते भी हैं। हालांकि अगर जीभ पर सफेद परत जम जाए तो हम उसे ब्रश से साफ कर लेते हैं, लेकिन जीभ पर अगर काले धब्बे पड़ जाए तो उसे भूल कर भी इग्नोर ना करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी परिवर्तन आपके शरीर में किसी न किसी तरह की सेहत संबंधी दिक्कत का संकेत देता है। आइए आपको बताते हैं कि जीभ पर काले धब्बे किस कारण से पड़ते हैं। आपको बता दें कि जीभ पर काले धब्बे पड़ने का संकेत होता है कि आपके शरीर में खून की मात्रा की कमी है। हालांकि जीभ पर काले धब्बे पड़ने का कारण आप डायबिटीज से ग्रसित भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुंह में बैक्टीरिया फैलने के कारण भी आपके जीभ पर काले धब्बे पड़ सकते हैं। लेकिन आज हम आपको काले धब्बे को साफ करने का घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अदरक के बारे में बताएंगे। अदरक सेहत के लिए लाभदायक होता है, तो वहीं अदरक जीभ के काले धब्बे को आसानी से दूर भी करता है। इसके लिए अदरक के छोटे से टुकड़े को जीभ के डार्क स्पॉट्स पर कुछ मिनट तक लगाकर छोड़ दें। उसके बाद ठंडे पानी से कुल्ला कर लें। ऐसा करने से आपके काले धब्बे दूर होंगे। वही बात करते हैं अनानास की, तो अनानास सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। वही सेहत के साथ साथ आपके जीभ के धब्बों को दूर करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि अनानास में मौजूद ब्रोमेलिन एंजाइम आपके जीभ के काले धब्बे दूर करता है। नीम कई बीमारियों को दूर करता है, यानी नीम औषधि के रूप में कार्य करता है। नीम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने की शक्ति होती है। हालांकि जीभ में काले धब्बे को दूर करने के लिए नीम के पत्तों को उबालकर उस पानी से कुल्ला करें। ऐसा करने से आपके जीभ के काले धब्बे कुछ ही दिनों दूर होंगे। कर्नाटक से कानिक रिपोर्ट।